महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल की थी, और महात्मा गांधी ने अपनी तरफ से ये अपील की थी। उन्होंने कहा था यदि सावरकर जी को रिहा किया जाना चाहिए, जैसे हम शांतिपूर्ण तरीके से आजादी हासिल करने के लिए आंदोलन चला रहे हैं, वैसे ही सावरकर जी भी आंदोलन चलाएंगे। सावरकर के खिलाफ झूठ फैलाया गया, बार बार यह बात कही गई कि उन्होंने अंग्रेजी सरकार के सामने अनेकों मर्सी पिटीशन फाइल की, लेकिन सच्चाई है कि मर्सी पिटीशन उन्होंने अपने को रिहा किए जाने के लिए नहीं फाइल की थी। सामान्यतया जो एक कैदी को एक पूरा अधिकार होता है कि मर्सी पिटीशन फाइल करना चाहे तो वह कर सकता है, महात्मा गांधी ने उन्हें कहा था कि आप मर्सी पिटीशन फाइल करो। महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल की थी, और महात्मा गांधी ने अपनी तरफ से ये अपील की थी। उन्होंने कहा था यदि सावरकर जी को रिहा किया जाना चाहिए, जैसे हम शांतिपूर्ण तरीके से आजादी हासिल करने के लिए आंदोलन चला रहे हैं, वैसे ही सावरकर जी भी आंदोलन चलाएंगे। यह बात महात्मा गांधी जी ने कही थी, लेकिन उनको बदनाम करने के लिए इस प्रकार की कोशिश की जाती है कि मर्सी पिटीशन फाइल की थी, उन्होंने क्षमा याचना मांगी थी, अपनी रिहाई की बात कही थी। यह सब सारी बातें बेबुनियाद और गलत हैं। सावरकर ने भारत के लोगों को गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए प्रेरित किया था। उस समय देश में प्रचलित छुआछूत की कुप्रथा के खिलाफ उनके विचार और कार्य दोनों ने डॉक्टर अंबेडकर को भी प्रेरित किया था। उन्होंने हमेशा सहबोज, अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय विवाह और विधवा विवाह, नारी शिक्षा, मंदिरों में सभी जातियों के प्रवेश के लिए लड़ाई लड़ी है।